नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों के ताज़ा चुनाव के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार हज के किस जनता का क्या मूड है, वो किससे हज के अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि क्या तीसरी बार हज के टीएमसी पार्टी वहां पर बाजी मार पाएगी या फिर हज के इस बार हज के भारतीय जनता पार्टी उसको टक्कर दे पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वहां पर हज के विधानसभा चुनाव की कुल मिलाकर हज के 294 सीटें हैं, जिसमें से आपको बता दें कि बहुमत हासिल करने के लिए 148 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। जो पार्टी 148 सीटें हासिल करेगी वही वहां पर हज के अपनी सरकार बना पाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि आइए जानते हैं क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े के इस आज के अगर आज चुनाव होते तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वही दोस्तों अगर आपको बता दें कि आज चुनाव होते तो वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी अभी काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव में जो 18 सीटें हासिल कर है जो बहुत ही बड़ी वहाँ पर जीत हासिल की थी, वहीं से लेकर आज के भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज के इस बार आज के होने वाले साल 2021 विधानसभा चुनाव में आज की बड़ी पकड़ वहां पर कर सकती है। और आपको बता दें कि वहां पर आज के ज़्यादा से ज़्यादा इस समय वहां पर सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यदि बात करें टीएमसी पार्टी की, हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी को भी आज के वहां पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी कहा नहीं जा सकता कि किस पार्टी की वहां पर जीत हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें अभी चुनाव होने में हज के 2 या 3 महीने बाकी हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी हज के पासा किधर भी पलट सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव से पहले हज के टीएमसी पार्टी को कहीं झटके लग चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी के कहीं ऐसे बड़े नेता हज के टीएमसी पार्टी को छोड़कर हज के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये सीधा हज के टीएमसी पार्टी को अब चुनाव से पहले नुकसान है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि वहाँ पर हज के इस बार हज के भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हज के अपनी सरकार बनाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि शायद ही हज के बीजेपी वहाँ पर हज के अगर वहाँ पर जीत हासिल करती है तो वहाँ पर हज के पहली बार सरकार बनाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने हज के अभी से रणनीतियाँ शुरू कर दी है। बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो अभी से हज के पश्चिम बंगाल का दौरा करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे की माने तो लगभग हज बीजेपी वहाँ पर हज के 1000 से 1200 हज के इस पर रैलियाँ कर सकती, जिसमें से आपको बता दें कि कहीं बड़े बीजेपी के बड़े चेहरे होंगे, जिसमें से आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और पीएम मोदी, आपको बता दें कहीं वहां पर हज के लगातार रैलियां करने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में हज के पश्चिम बंगाल की जनता किसे चुनेगी अपना नेता। आपको बता दें कि ये सर्वे के आंकड़े बता दें कि क्या तीसरी बार हज के ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन पाएगी। आपको बता दें कि इस समय मौजूदा समय में हज के ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपको बता दें कि उन्होंने दो बार वहाँ पर उनकी सरकार रह चुकी, अगर इस बार भी वो सीट हासिल करती तो वो तीसरी बार वहाँ की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि क्या है जनता की राय साल 2021 में। आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस बार जो होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार जो बीजेपी वहाँ पर काफ़ी अच्छी लीड ले सकती है और वहाँ पर हज की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी में इस समय जी वहाँ पर हज के सत्ता के मुकाम पर पहुँचने के लिए एडी से चोटी तक जोर लगा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं और आपको बता दें कि ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भी अभी से हज उन्होंने भी तैयारियाँ शुरू कर ली हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सभी पार्टियाँ जो कि अपने अपना कार्य गिना रही है और आपको बता दें कि वहाँ पर इस बार हज के मुकाम जीत के मुकाम तक पहुँचने के लिए पार्टियाँ जी तोड़कर जान लगा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन ये तो समय बताएगी कि वहाँ पर होने वाले इस बार हज के चुनाव में एक बार फिर से जो जनता किससे अपना नेता मानती है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो वहाँ पर 294 सीटें हैं। आपको बता दें कि जो पार्टी जो 148 सीटें हासिल करेगी वहाँ पर जो उनकी सरकार बन पाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हालांकि रह सकती है। वहीं आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर है जो आपको बता दें ये कांग्रेस पार्टी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें यदि
बीजेपी को वहाँ पर इस बार बढ़त मिलती है तो आपको बता दें ये बहुत ही बड़ी जीत होगी वहाँ पर। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से क्या मोदी का जादू इस बार भी पश्चिम बंगाल में चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चला था और वहाँ पर 18 सीटें हासिल की थी। दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की 42 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर वहाँ पर पहली बार बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 22 सीटें टीएमसी पार्टी को मिली थी। आपको बता दें कि 18 सीटें जीतने के बाद टीएमसी पार्टी को ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लगने लगा कि होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनको सीधे से सीधा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़े यही बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, इसी को देखते हैं जी आपको बता दें होने वाले इस बार चुनाव में भी बीजेपी वहाँ से ज़्यादा सीट जीत सकती है। कहा नहीं जा सकता कि इस बार वहाँ पर बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़े ये बता दें कि इस बार बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीत सकती है। और ये सीधे से सीधा अगर बीजेपी वहाँ से ज़्यादा सीटें जीतती तो ये सीधे से सीधा टीएमसी पार्टी को नुकसान होगा। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2016 में टीएमसी पार्टी ने आपको बता दें कि 211 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही बहुमत के साथ वहाँ पर टीएमसी पार्टी की सरकार बनी थी। और आपको बता दें उससे पहले भी टीएमसी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करके वहाँ पर दोबारा अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तीसरी बार भी टीएमसी पार्टी अपनी सीटें जीत पाएगी या फिर बीजेपी उसको टक्कर दे पाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी को हालांकि नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार टीएमसी पार्टी के टक्कर में है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जनता कि अपना नेता किससे चुनेगी ये अभी काफ़ी वक्त बाकी है। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे के आंकड़े यही बताते हैं कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी कि लगातार अभी से वहाँ पर काफ़ी अच्छी वहाँ पर पकड़ बनाए हुए हैं। बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े नेता अभी से वहाँ पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। और लगातार आपको बता दें कि बीजेपी वहाँ पर कहीं रैलियाँ कर सकती हैं। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी भी हालांकि आपको बता दें कि ऐसी कहीं बढ़िया बड़ी रैलियाँ करेगी। और आपको बता दें सभी पार्टियाँ जी तोड़कर जान लगा रही कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करें। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय तीसरे नंबर पर ये कांग्रेस पार्टी रह सकती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस बार अगर मान लो टीएमसी पार्टी की सरकार भी बनती है या फिर बीजेपी की बनती है तो आपको बता दें कि दोनों पार्टी के बीच काफ़ी अच्छी कांटे की टक्कर रहेगी। और आपको बता दें कि जीत का फासला कुछ ज़्यादा सीटों से नहीं रहेगा। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस बार होने वाले चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।